वहीं कल पटना में होने वाली विपक्ष के नेताओं की महाबैठक से पहले एक बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। जयंत चौधरी ने नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि वो पूर्व निर्धारित पारिवारिक कार्यक्रम की वजह से बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। आपको ये जानकारी दे दें कि पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी की अच्छी पकड़ मानी जाती है। उनके दादा चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और ऐसे में उनका विपक्ष की इस महाबैठक में शामिल ना होना कई तरह के संकेत दे रहा है। हालांकि आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की बैठक में ना शामिल होने का कारण ये दिया गया है कि पहले से एक पूर्व निर्धारित पारिवारिक कार्यक्रम है, जिसके चलते वो 23 तारीख को होने वाली बैठक में शामिल नहीं हो सकते हैं। 23 तारीख को पटना की बैठक में 2024 का प्लान तैयार किया जाएगा। माना यह जा रहा है कि बैठक में जिन 17 पार्टियों के नेता शामिल होंगे, उनका मकसद 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजयी रथ को रोकना और बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। इसके लिए बैठक में जिन एजेंडों पर चर्चा होगी, उसमें वोट के बिखराव को रोकना, सीट शेयरिंग पर सहमति बनाना और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।